सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू डे टू। अभी हम लोग डे टू का क्वेश्चन नंबर वन हम लोग देखने जा रहे हैं। सो ये है किड विथ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कैंडीज। चलिए इसको लीड कोड में देख लेते हैं कि क्या कहता है। सो जो इनपुट है ना, इनपुट हमको कुछ इस तरह का मिलेगा। सो इनपुट हम लोग देख लेते हैं। इनपुट में हम लोग को मिलेगा कैंडीज। ओके, सो कैंडीज कुछ इस तरह का होगा, एरे ऑफ इंटीजर्स 2, 3, 5, 1, 3। और फिर हम लोग कुछ एक एक्स्ट्रा कैंडीज भी मिलेगा। सो एक्स्ट्रा कैंडीज इक्वल्स टू 3, ये हो गया आपका। इसको हम लोग ऊपर रख देते हैं। चलिए ये हो गया आपका, ऊपर रख दिया। फिर यहाँ पे हम लोग को क्या कहता है कि हम लोग को जो है ना, हम लोग को वो देखना है कि अगर मतलब जो ये पर्टिकुलर जो ये है ना, इसको हम लोग इसके साथ ऐड करेंगे, एक बार इसके साथ ऐड करेंगे, इसके साथ ऐड करेंगे, इसके साथ ऐड करेंगे, फिर इसके साथ ऐड करेंगे, उसके बाद क्या ये जो मतलब जी हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंडीज है उसके साथ अगर वो उससे बड़ा हुआ तो फिर हम लोग उसको ट्रू कर देंगे, नहीं तो उसको फॉल्स कर देंगे। सो जो अप्रोच है ना वो सिंपल है। पहले हम लोग क्या करेंगे ना, पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको इटरेट करेंगे। सिंपल, जो ओरिजिनल वेक्टर है ना उसको हम लोग इटरेट करेंगे और फाइंड आउट दी मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडीज, दी मैक्स कैंडीज। हाँ, मैक्स कैंडीज हम लोग उसको सर्च करेंगे। सो इन दिस केस मैक्स कैंडीज इक्वल्स टू 5 है, 5 हो आपका। फिर हम लोग इसको एक वेरिएबल में रख देंगे लाइक मैक्स कैंडीज। फिर उसके बाद जो ये एक्स्ट्रा कैंडीज है ना, फिर हम लोग इसको इटरेट करेंगे, इटरेट एंड एड एक्स्ट्रा कैंडीज टू ईच एलिमेंट। ये हो गया आपका। तो फिर 2 प्लस जो है ना, ये एक्स्ट्रा कैंडीज कितना है आपके पास, 5 है। सो इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉरी एक्स्ट्रा कैंडीज आपके पास 3 है। सो फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 प्लस 3 करेंगे पहले उसके लिए, इनपुट के लिए, इस वाले के लिए 2 प्लस 3। ये हो गया आपका, ये आपका मिलेगा 3, 4, 5 हो गया। फिर ये जो है ना, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 प्लस 3, ये हो गया आपका 6। फिर इसके साथ हम लोग इसको करेंगे, फिर ये गया 5 प्लस 3, ये हो गया आपका 5, 6, 7, 8 हो गया। फिर इसके साथ हम लोग करेंगे, सो 1 प्लस 3, ये हो गया आपका 4। फिर इसके साथ हम लोग करेंगे, ये हो गया आपका 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 6। सो क्या 5 इससे छोटा तो नहीं है, ये हो गया आपका ट्रू। फिर इससे हम लोग देखेंगे इसके साथ, हाँ ट्रू। फिर इसके साथ देखेंगे, फिर ये ट्रू। फिर इसके साथ देखेंगे, हाँ 4 इज़ लेस देन 5, ये तो नहीं जो है ना, ये लेस देन है। सो इसको हम लोग फॉल्स कर देंगे। फिर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, 6 के साथ। सो या इट इज़ बिगर देन दैट, सो इसको हम लोग ट्रू कर देंगे। सो इसको चलिए हम लोग क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं, फिर हम लोग को मालूम चलेगा इम्प्लीमेंट करने के बाद कि मतलब मैं आपको सी आउट करके दिखाऊंगा कि हर एक स्टेप में क्या क्या हो रहा है। सो फंक्शन सिग्नेचर मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ओके, सो इनपुट हम लोग पहले ले चुके हैं, इनपुट और कैसा टाइप का आउटपुट आना चाहिए। फिर हम लोग क्या करेंगे ना, इसको हम लोग पहले जो है INT मैक्स कैंडीज कर लेते हैं। INT मैक्स कैंडीज, मैक्स कैंडीज इक्वल्स टू क्या कर रहे हैं हम लोग, 0 कर रहे हैं इसको। हो गया आपका। फिर हम लोग क्या करेंगे, इटरेट करेंगे और ढूंढने एक वेक्टर भी हम लोग इनिशियलाइज कर देते हैं विद बुलियन, और जिसका साइज होगा ना वो सेम होगा एज डेट कैंडीज का जो साइज है उसी का तरह। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको कैंडीज डॉट साइज, ये हो गया आपका साइज कोमा। हम लोग इसको क्या करते हैं, पहले हम लोग इसको हर एक को हम लोग फॉल्स कर देते हैं, फिर हम लोग जो हम लोग को बड़ा मिलेगा या फिर मतलब इक्वल टू मिलेगा उसको हम लोग ट्रू कर देंगे। फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इटरेट करेंगे यहाँ पे, सॉरी फोर INT आई इक्वल्स टू 0, ये हो गया आपका। फिर आई लेस देन कैंडीज डॉट साइज, सो कैंडीज के ऊपर हम लोग इसको इटरेट कर देंगे i++, ये हो चुका आपका। फिर हम लोग जो है ना, इसको हम लोग देखेंगे कि मतलब जो मैक्स कैंड जो हम लोग को ढूंढना है, क्या हम लोग को ढूंढना है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैंडीज। सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैक्स हम लोग जो फंक्शन है इसको हम लोग यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग देंगे मैक्स कैंडीज कॉमा, फिर हम लोग इसको क्या करेंगे ना, उसको हम लोग जो कैंडीज हर एक कैंडीज को हम लोग इटरेट करेंगे, कैंडीज वाला जो है ना आई इसको हम लोग दे देंगे इसको। फिर इसके बाद हम लोग सी आउट कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि मैक्सिमम कैंडीज को कितना वैल्यू है उसका, जो मैक्स कैंडीज है। मैक्स कैंडीज इक्वल्स टू हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग मैक्स कैंडीज कर लेते हैं, ये हो गया आपका, ये हो चुका है। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग फिर से हम लोग इटरेट करेंगे और हम लोग उसको देखेंगे प्लस करने के बाद उसका जो रिजल्ट है ना उसको हम लोग देखते हैं, अगर वो बड़ा हुआ या फिर इक्वल टू हुआ तो फिर हम लोग इसको ट्रू कर देंगे। सो फॉर ये देखिए, सॉरी इंक्रीमेंट, ओके इंक्रीमेंट करने के बाद वो कितना होता है हम लोग उसको देखेंगे। फॉर INT आई इक्वल्स टू 0, फिर हम लोग क्या करेंगे, आई लेस देन कैंडीज, ये हो गया आपका कैंडीज डॉट साइज,
ये हो गया आपका। फिर हम लोग इसको आई प्लस प्लस कर देंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इफ़ जो है ना कैंडिस, इफ़ कैंडिस ऑफ आई, फिर हम लोग जो है ना प्लस एक्स्ट्रा कैंडिस हम लोग करते हैं एक्स्ट्रा कैंडिस। फिर अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू जो है ना मैक्स कैंडिस, अगर ये मैक्स कैंडिस से ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ तो फिर हम लोग क्या करेंगे उसको, हम लोग उसको वही सेम इंडेक्स पे हम लोग रिजल्ट वाले इंडेक्स में सेम इंडेक्स के ऊपर हम लोग इसको ट्रू कर देंगे। ये हो गया आपका, ट्रू हो चुका है। फिर हम लोग इसको क्या करेंगे लास्ट में, हम लोग इसको रिटर्न कर देंगे। रिटर्न कौन सा करेंगे, जो हम लोग को वो मिलेगा रिजल्ट, जो बूलियन वाला वेक्टर है उसको हम लोग रिटर्न करते हैं। चलिए अभी हम लोग देखते हैं उसको, सिंपल सही है क्वेश्चन। ओके देखिए रुके, इसको मैं थोड़ा सा एंडल के जगह इसको मैं स्पेस कर देता हूँ। ये देखिए मैक्सिमम कैंडिस 5 है, हाँ है। फिर हम लोग देख रहे हैं ये 2 के साथ प्लस हुआ, तो फिर इस उसी के जैसे हम लोग ने यहाँ पे जो ड्राइंग पे हम लोग दिन देखा था ना, ये 5 के लिए ट्रू रहा, ट्रू के लिए वो 1 दिखा रहा है, फिर ट्रू के लिए 1, फिर ट्रू के लिए 1, जो फॉल्स के लिए वो 0 है, फिर यहाँ पे ट्रू है। सो इसको हम लोग अभी लीट कोड में हम लोग कॉपी करके पेस्ट करके हम लोग देखते हैं कि हर टेस्ट के से पास हो रहा है कि नहीं, जो है ना इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद ये जो है ना इसको हम लोग काम करते हैं, इसको हम लोग को अभी ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग हटा देंगे। फिर इसको रन करेंगे, ये हो चुका आपका रन। रन होने के बाद इसको हम लोग सबमिट भी कर देते हैं ताकि हर एक टेस्ट केस के ऊपर ये रन हो सके। अच्छा देखिए ये हो चुका है। सो ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं।